नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टेज न्यूज के चैनल में। क्यों बीटीसी ट्विटर की काउंसलिंग पोस्टपोन हुई इसके बारे में बात करूंगा, बीटीसी ट्विटर का न्यू अपडेट क्या है इसके बारे में भी बात करूंगा, और बीटीसी ट्विटर की बहुत जल्दी आ सकती है खुशखबरी इसके बारे में बात करूंगा। एक चीज और कहूंगा कि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए कि इसी तरह से हमारी अपडेट सबसे पहले आपके पास आए। जैसा कि आप जानते हैं कि बीटीसी ने अभी जस्ट अपना जो काउंसलिंग को है ट्विटर वाली को पोस्टपोन कर दिया है, उसको बढ़ा दिया है, लेकिन उसका अभी तक आज तक जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं, जिस समय हम चैनल पर आपके आ रहे हैं, उस वक्त तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। लेकिन ऐसा क्या त्रुटि होगी, उसमें ऐसी क्या कमियां हो गई कि जिसके वजह से इसको डिले हो गया या फिर ये पोस्टपोन हो गया? क्या बीटीएससी से यहाँ मिस्टेक हुई है, क्या हुई है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। पहले तो उनका नोटिस बोर्ड को हम जो उन्होंने नोटिस निकाला था पहले उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। विज्ञापन संख्या 02/2019 के अंतर्गत ट्विटर हेतु दिनांक 17/6/2020 तक निर्धारित काउंसलिंग को कार्य में मेगा सूची में त्रुटि के कारण स्थगित किया, काउंसिल की अगली तिथि अगले सूचित कर दी जाएगी, यानी आपको बता दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा यहां पर सवाल है मेगा सूची। आखिर मेगा सूची में क्या ऐसी इनसे मिस्टेक हो गई कि इनको इस पोस्टपोन करना पड़ेगा? मैं पहले आपको मेगा सूची दिखाता हूं कि मेगा सूची होता क्या है। पहले उस मेगा सूची को आप ध्यान से देखिए, ये है मेगा सूची। इस सूची में इनसे हो सकता है कि जो इन्होंने यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया है, जो रोल नंबर उनका दिया है, जो बीआर से आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसी में इनसे मिस्टेक हुई है। हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट को इन्होंने ले लिया हो कि जो इनके लिस्ट में है ही नहीं, या फिर कुछ इसी में प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें ही त्रुटियां हो सकती है कि या तो भी अनलीगल तरीके से लोग इसके अंदर आ गए होंगे कुछ पैरवी से, कुछ सोर्स पैरवी से। इस बात को बीटीएससी को पता चला कि जो हमने यहाँ पर रोल नंबर अलॉट किया है, एनरोलमेंट नंबर जो भी अलॉट किया है, इसमें कुछ कमियां हैं जिसको सुधारा जाएगा। हालांकि मेरे हिसाब से देखिए, काउंसलिंग का पोस्टपोन होना एक दुख की बात है, मैं मान सकता हूं, लेकिन ये भी एक बात सच है कि अगर इसमें कोई गलत तरीके से इस सूची में आ जाता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नोट में भी लिखा हुआ है कि काउंसलिंग के पश्चात सुधार एवं प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने के संबंधित में आवेदन अथवा किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी बीटीएससी में किसी भी तरह से अगर आप धांधली करते हैं तो बीटीएससी के पास डेटा है, बीटीएससी जब चाहे तब उसको निकाल सकती है, उसको उस डेटा को शट आउट कर सकती है। इसीलिए इस मेगा सूची में त्रुटि हुई है, इनसे मिस्टेक हुई है जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन मिस्टेक हुई है। अगर बीटीएससी निष्पक्ष तरीके से रिजल्ट निकालती है जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप ये सूची देख सकते हैं, मैं पूरा सूची आपको दिखा रहा हूँ सिलसिलवार ढंग से, आप इसको देखिए। तो यही मिस्टेक हुई है, इसी में त्रुटि हुई है। तो क्या बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीटीएससी का काम है। अगर अनलीगल तरीके से लोग आ गए हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके पहले बीटीएससी बाहर करेगी, फिर दोबारा बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है। आप ये मत सोचिएगा कि मेरा पोस्टपोन हो गया तो इलेक्शन के बाद होगा या फिर कब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीटीएससी जरूर इसके बारे में खुशखबरी निकालेगी, इसलिए कि इसमें से 507 लोग के ही आसपास कैंडिडेट थे, तो जल्दी उसको आइडेंटिफाई करके फटाफट चीज़ें निकालेगी। हाँ, लेकिन बीटीएससी स्टाफ जो नर्स ग्रेड ए हैं उनको टेंशन लेने की थोड़ा भी जरूरत नहीं है, उनका रिजल्ट बिल्कुल टाइम से ही आने वाला है। तो आज के न्यूज में यही था, आपको वीडियो कैसी लगी आप इसके बारे में जरूर अपनी राय दीजिएगा। तो चलिए, वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को जरूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।